हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ड्रीम चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे X202 के लाइट प्रॉब्लम। यहाँ देख सकते हैं ग्राफिक्स आ रहा है लेकिन LCD में कोई लाइट नहीं है। हो सकता है इसमें LCD में प्रॉब्लम हो सकता है, सर्किट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। देखेंगे कहाँ प्रॉब्लम। देखिए ग्राफिक्स आ गया लेकिन लाइट नहीं है। किसमें प्रॉब्लम है ये कंफर्म करने के लिए एक नया LCD लगा कर देखेंगे। हो सकता है LCD में भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए नया LCD लगाएंगे। देखिए इसमें भी ग्राफिक्स आ गया लेकिन वही लाइट का प्रॉब्लम है। इसमें भी लाइट नहीं है, मतलब पुराना वाला LCD सही है। ऐसा तो मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है, ग्राफिक्स आ गया। अब देखेंगे कौन खराब है, तो इसको चेक करने के लिए जो मेथड होता है वो आपको हम दिखाएंगे। पहले हम तीन चीज चेक करेंगे, जो लाइट कॉइल सप्लाई होता है, जो कॉइल होता है वो सही है कि नहीं, ये चेक करना ज़रूरी है कि वो ख़राब होने से भी लाइट नहीं जलेगा। देख सकते हैं वहाँ जो लाइट कॉइल है वो अगर पूरा कंटिन्यूटी शो करता है तो वो सही है, अगर नहीं शो किया तो वो ख़राब है। देखिए कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इसका मतलब वो सही है लाइट कॉइल। यहाँ देखिए जो कीपैड में दो LED है वो ख़राब होने से भी नहीं जलेगा। देखिए एक LED सही है, ये LED सही है, जल रहा है, मतलब सही है। ये देखिए नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये ख़राब है। ये जो एक ही ख़राब है ना, ये सोच रहेंगे ये ख़राब होने से क्या होगा, लेकिन देखिए जितना भी LED है ना, ये एक सीरीज की तरह जलता है। कोई एक ख़राब होता तो लाइट में प्रॉब्लम होगा। तो इसका अब हम पुराना वाला LCD लगा कर और एक बार चेक करेंगे। देखिए शॉर्ट करने से LCD अगर सही है तो आ गया, देख लिया। तो LCD मतलब वो LED को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास LED है तो चेंज कर भी सकते हैं, या नहीं है तो उसे एक शॉर्ट कर दीजिए, हो जाएगा आपका काम। देखिए LED को शॉर्ट कर दिया। अभी फिर से एक बार चेक करेंगे। देखिए लाइट आ गया, मतलब वो ख़राब था। अब आपको अच्छा लगा तो हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।